For a meditation, let us turn to Hebrews chapter 10 and read the 23rd verse. Hebrews chapter 10 and verse 23. हमारे ध्यान के लिए इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 23 वचन को आइए हम पढ़ेंगे. आणि आपल्या मननाकरिता इब्री करास पत्र त्याचा 10वा अध्याय 23व्या वचनाकडे आपण मनन करूया. आपण न डरमडता आपल्या आशेचा पत्कार दृढ धरू, कारण ज्याने वचन दिले तो विश्वसनीय आहे. और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रह, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Praise be to his holy name. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो. देवाच्या पवित्र नामास धन्यवाद असो. The Hebrew writer is counseling to the church or to every believer to hold fast the profession of faith. यहाँ पर इब्रानियों की पत्री का लेखक इब्रानी कलीसिया के विश्वासियों को कहता है, अपनी विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो. आणि या ठिकाणी इब्री कराच्या पत्रामध्ये या ठिकाणी अशा प्रकारे मंडळीला तो लिहित आहे की तुम्ही तुमचा विश्वास दृढ रीतीने धरून रहा. The word profession in Hebrew, in Greek, it is homologio. Homologio, that means agreement or confession. यूनानी भाषा में जो है ये अंगीकार शब्द का अर्थ है होमोलोजियो. आणि इब्री भाषा मध्ये हे जे समर्पण करण्याचा जो अर्थ आहे ते होमोलोशियो असा आहे. And Hebrew writer is telling, let us hold fast that confession of faith. इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है, विश्वास के अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहे. आणि इब्री कराला लिहिणारा पत्र असं म्हणत आहे, विश्वासाला दृढ आपण धरून ठेवलं पाहिजे. In the second part of this verse, it is given in the brackets in English, for he is faithful that promised. और जो है इस वचन का दूसरा भाग अंग्रेजी में ब्रैकेट में लिखा गया है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, विश्वास योग्य है. आणि इंग्रजी भाषेमध्ये त्याचा विषय असा प्रकारे लिहिलेला आहे, कारण ज्याने वचन दिली तो विश्वसनीय आहे. दिस प्रोफेशन इन्वॉल्व्स फोर एस्पेक्ट्स. ये अंगीकार के चार पहलू हैं. आणि हे स्वीकार करण्याचे चार गोष्टी आहे. बिफोर गोइंग इनटू दैट, उसमें जाने से पहले त्याच्यामध्ये जायच्या अगोदर, we must understand about our God, and here in this verse he's telling he is a faithful who has promised. हमारे परमेश्वर के बारे में हम समझ लेना चाहिए, और यहाँ पर लिखा है वो सच्चा है, विश्वास योग्य है. आणि आपल्या परमेश्वराविषयी आपल्याला जाणीव असली पाहिजे. आणि या ठिकाणी ज्या प्रकारे लिहिलं आहे तो सत्य व विश्वसनीय आहे. In 2 Timothy chapter 2 verse 13, St. Paul says, दूसरा तिमोथियस दूसरा अध्याय की 13 वचन में संत पौलुस कहता है, तिमोथियला दूसरा पत्र याचा दूसरा अध्याय त्याच्या 13 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो, he abideth faithful and he denieth not himself. वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता. आणि आपण विश्वसनीय झालो तरी तो विश्वसनीय राहतो. he will not deny, but he will prove that he is faithful. वो अपना इनकार नहीं कर सकता, और वो ये साबित करता है कि वो विश्वास योग्य है. आणि तो आपला नाकार करू शकत नाही, आणि तो साबित करत आहे की तो विश्वसनीय आहे. In 1 John chapter 1 and verse 9, पहला योहना पहले अध्याय की 9 वचन में, पहले योहान पहला अध्याय त्याचं 9 वचन, the John the apostle is telling he is faithful to forgive and cleanse all of our sins. योहना प्रेरित कहता है, वो हमारे पापों को क्षमा करने और शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य है. आणि प्रेषित योहान इथं म्हणतो तो विश्वसनीय व न्यायी आहे, म्हणून तो आपल्या पापांची क्षमा करतो. And that faithfulness of the Lord we all seated here, we have experienced and tested in our lives. और हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हम सब ने अपने जीवन में देखा है और अनुभव किया है. आणि आपण या ठिकाणी बसलेल्या सर्व लोकांनी परमेश्वराची विश्वास योग्यता व त्याची सत्यता याची रुची व याचा अनुभव आपण घेतलेला आहे. We confessed our errors, shortcomings and failures, and we do that even now, and we can experience his faithfulness in forgiving us and cleansing us. हमारी कमी घटी पर आज अधर्म को हमने उसके सामने हमने इकरार किया, और जो है अभी भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में शुद्ध करने में हम अनुभव करते आ रहे हैं. आणि आपले अपराध आपले दोष आपण त्याच्या समोर कबूल केले, त्यांनी आपल्याला क्षमा केली, आणि आज सुद्धा अत्यक्षणी त्याच्या समोर आपण कबूल केल्यास तो क्षमा करील याचा अनुभव आणि रुची आपण घेऊ शकतो. Those who are experiencing that in your life, shall we lift up a voice and
shout hallelujah. जिन्होंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है, आइए ऊंची आवाज के साथ हम हालेलुया ललकारेंगे. आणि ज्या लोकांनी अशा प्रकारचा अनुभव घेतला आहे, आपले हात उंच करून आपण परमेश्वराकडे हालेलुया म्हणूया. Yes, he is faithful to forgive all of our shortcomings and failures, and that is why this morning we are in his presence. हमारी कमी घटी पर आज को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य है, और इस कारण से आज सुबह आज हम उसकी उपस्थिति में है. होय खरोखर आपल्या सर्व उन्याव्या गोष्टींकरिता तो आपल्याला क्षमा करण्यासाठी आहे, आणि आज त्याच्या विश्वास योग्यतेमुळे आपण त्याच्या समक्षतेत आहोत. When we go to 1 Corinthians chapter 10, read the 13th verse. जो पहला क्रंथी 10 अध्याय की 13 वचन को पढ़ते हैं. पहली करंथी करांस पत्र त्याचा 10 अध्याय 13 वचन. In all our trials, he is faithful to make an escape way for us. हमारी सारी परीक्षाओं में हमको से बाहर निकालने के लिए, निकास के लिए वो विश्वास योग्य है. आणि आपल्या सर्व परीक्षेतून आपल्याला बाहेर काढण्याकरिता तो विश्वसनीय परमेश्वर आहे. So many of us can testify about that. और जो है हमने से बहुत सारे लोग इस बात के बारे में गवाही दे सकते हैं. आपल्यातील पुष्कळ जण त्याविषयी साक्ष्य देऊ शकतात. But there was no way in our trial time we can find a way open for us. जब हमारी परीक्षा के समय निकास का कोई मार्ग नहीं था, उसी समय उसने हमारे लिए निकास का मार्ग निकाला. आपल्या परीक्षेच्या वेळी अपना करिता कुठलाही मार्ग नव्हता, परमेश्वराने आपल्या करिता मार्ग उघडला. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति. देवाच्या पवित्र नामास धन्यवाद. When we go to 2 Thessalonians chapter 3 and read the 3rd verse. जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की तीसरा अध्याय की तीसरे वचन को पढ़ते हैं. दूसरे थिस्सलुनीकियों पत्र त्याचा तीसरा अध्याय त्याचा तीसरा वचन. There we can experience his faithfulness in establishing us and keeping us from evil. हमें स्थिर रखने के लिए, बुराई से हमको बचाकर रखने के लिए वहाँ पर उसकी विश्वास योग्यता को हम अनुभव करते हैं. आणि आपल्याला स्थिर राखण्याकरिता व सर्व दुष्कर्मापासून आपल्याला वाचण्याकरिता प्रभूचं विश्वसनीय योग्यता अपना बरोबर आहे. Day by day, the faithful God is establishing us in Him, in the faith, in His love, in His grace. दिन प्रतिदिन विश्वासी के परमेश्वर हमको उसमें, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में स्थिर रखता है. विश्वसनीय परमेश्वर दिन प्रति दिवस आपल्याला त्याच्या विश्वासामध्ये, त्याच्या प्रीतीमध्ये, त्याच्या आशेमध्ये तो आपल्याला स्थिर करतो. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति. देवाच्या पवित्र नामास धन्यवाद असो. And as we read in this verse, He is faithful. In Hebrews chapter 10, verse 23. He is faithful in fulfilling all his promises. और जैसे हमने इब्रानियों 10 अध्याय के 23 वचन में पढ़ा, अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है. इब्री करास पत्र 10 अध्याय 23 वचन मध्ये अपन वाचलं, कारण कतो त्याचे सबे सर्व अभिवचन पूर्ण करण्यास विश्वास योग्य आहे. So when we read 1 Corinthians chapter 1 and verse 9. पहला कुरिंथियों पहले अध्याय के 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं. पहले कुरिंथी करास पत्र त्याचा पहला अध्याय 9 वचन. He is faithful to keep us in his फेलोशिप. उसकी संगति में हमको बनाए रखने के लिए वो विश्वास योग्य है. आणि त्याच्या सहभागितेमध्ये आपल्याला ठेवण्याकरिता तो विश्वसनीय परमेश्वर आहे. That you heard from the testimony of the brother, that is he and all his siblings, they are all in the faith, in the fellowship of the saints till now. और जो है आपने भाई की गवाही से आपने सुना कि जो है वो और उनका सारा परिवार सब लोग जो है अभी संतों की संगति में दिखाई देते हैं. आणि जसं आपण बंधूच्या साक्षी मध्ये ऐकलं की ते व त्याचे सर्व काय भाऊ बहीण आजपर्यंत परमेश्वराच्या द्वारे या विश्वासामध्ये राखले गेले आहेत. And when we read finally 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. और आखिरी में पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय के 24 वचन को जब हम पढ़ते हैं. पहिले थिस्सलुनीकियों पत्र त्याचा 5वा अध्याय ते 24वा वचन. Faithful to perfect the work that he has begun in us. जो काम उसने हमारे जीवन में आरंभ किया है, उसको पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है. आणि जे कार्य त्याने आपल्या जीवनामध्ये सुरू केले आहे ते पूर्ण करण्यास तो सामर्थ्यशाली आहे. And he never changes in his faithfulness. और अपनी विश्वास योग्यता में वो कभी भी नहीं बदलेगा. आणि त्याच्या विश्वास योग्यतेमध्ये तो कधीही बदलत नाही. So we have a God who is faithful towards us in all aspects of our life. हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवन के हर एक पहलुओं में हमारे लिए विश्वास योग्य है. आणि आपल्याकडे एक असा परमेश्वर आहे, आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षणी आपल्यासाठी तो विश्वसनीय आहे. And God wants us to be faithful as he is faithful. जैसे
प्रभु विश्वास योग्य है, वो हमें भी चाहता है कि हम भी विश्वास योग्य बने। जसा परमेश्वर आपल्या बरोबर विश्वसनीय आहे तसे त्याची अपेक्षा आहे आपण सुद्धा विश्वसनीय असावं। When you ask Caleb what he will say, जब आप उसको पूछेंगे वो क्या कहेगा? When you ask Caleb what he will say, जब आप कालेब को पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? आणि जेव्हा तुम्ही त्याला कालेबला विचारताल की तो काय म्हणेल? He's telling, I wholly follow the Lord. He's telling from his heart, he's telling, I wholly follow the Lord. वो अपने हृदय से कहता है कि जो है मैंने पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण किया है। आणि तो त्याच्या हृदयाच्या अंतकरणाच्या खोलीतून म्हणतो पूर्णपणे मी देवाचं अनुकरण केलं। That you can read in Joshua chapter 14 verse 8. वो जो है आप यहोशुआ 14 अध्याय की 8 वचन में पढ़ सकते हैं। यहोशुआ 14 8 मध्ये आपण ते वाचत आहोत। And when you read the 9th verse of Joshua chapter 14, और जब आप यहोशू 14 अध्याय के 9 वचन को पढ़ेंगे, यहोशुआ 14 अध्याय त्याचा 9 वचन जेव्हा वाचतो, the Moses is giving a testimony that he wholly followed the Lord. वहां पर मूसा उसके विषय में गवाही देता है कि उसने पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण किया। आणि त्या ठिकाणी मोशे त्याच्या विषय साक्ष्य देत आहे की पूर्णपणे त्यांनी परमेश्वराचं अनुकरण केलं। And when you go to Numbers chapter 14 and read the 24th verse, जेव्हा गिनती की पुस्तक 14 अध्याय के 24 वचन को पढ़ते हैं, आणि गणनात 14 त्याचं 24वं वचन, God is giving a testimony about Caleb. परमेश्वर कालेब के विषय में वहां गवाही देता है। परमेश्वर कालेब विषय तिथे साक्ष्य देत आहे। Holy follow the Lord. He wholly followed me. उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया। त्यांनी पूर्णपणे मला अनुसरून वागला। An Old Testament saint. पुरानी नियम का संत। जुन्या कराराचा संत। He did not have a salvation experience. उसको उद्धार का अनुभव नहीं था। त्याच्याकडे तारणाचा अनुभव नव्हता। He was not baptized by the water. उसने पाणी से बप्तिस्मा नाही लिया था। पाण्याचा बप्तिस्मा घेतला नव्हता। He was not baptized by the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा से बप्तिस्मा नाही पाया था। पवित्र आत्म्याचा बप्तिस्मा घेतला नव्हता। But within himself he is having a testimony. लेकिन उसके अंदर ही गवाही थी। परंतु त्याच्यामध्ये एक साक्ष होती। The leader is telling about a testimony about him. और जो अगुवा उसके बारे में वो गवाही देता है। आणि तो जो अधिकारी आहे त्या विषयी तो साक्ष्य देतो। God is giving a testimony about him. परमेश्वर उसके विषय में गवाही दे रहा है। परमेश्वर त्याच्या विषयी साक्ष्य देतो। A faithful God desires a testimony from our lives also in this way. विश्वासयोग्य परमेश्वर इस रीति से हमारी जीवन से भी गवाही चाहता है। विश्वसनीय परमेश्वर त्याच प्रमाणे आपल्या जीवनातून सुद्धा ही साक्ष्य तो अपेक्षित आहे। Because God is faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। कारण का परमेश्वर विश्वसनीय है। Hebrew writer is telling, hold fast the profession of your faith. इब्रानियों की पत्रिका लेखक कहते हैं, अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थांबी रखिए। इब्री लिनारा पत्रकार असा म्हणत आहे की तुमच्या विश्वासाला जो तुम्ही स्वीकार केला तो दृढ़ धरून रहा। A saint has given a definition concerning faith in this way. एक संत ने विश्वास के बारे में इस प्रकार की परिभाषा इस रीति से दी है। आणि एक भक्त जनाने विश्वासा विषयी अशा प्रकारे कबूली दिली आहे। Faith means obedient action to what God has said. विश्वास का अर्थ है परमेश्वर ने जिस प्रकार से रखा है और जिस उस काम के लिए परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर दिखाई देना। आणि विश्वास याचा अर्थ परमेश्वराने जे काय सांगितलं आहे दिला आहे त्याच्या विषयी आपण आज्ञाकारिक असावं। सो व्हाट इज आवर नेम? तो हमारा नाम क्या है? मग आपलं नाव काय? वी ऑल कॉल्ड बिलीवर्स। हम विश्वासी कहलाते हैं। आणि आपण विश्वासणारे असे म्हणतो। वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन जीसस, वी बिलीव इन होली स्पिरिट, वी बिलीव इन ट्रिनिटी। क्योंकि हम परमेश्वर पर, प्रभु येशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर, त्रित्व पर हम विश्वास करते हैं। आणि आपण परमेश्वरावरती, परमेश्वराचा पुत्र प्रभु येशु ख्रिस्तावरती, त्रैक्य परमेश्वरावरती विश्वास ठेवतो। Are we obedient in response to what God has said? जो कुछ परमेश्वर ने कहा है क्या हम उसके लिए उत्तर देने के लिए प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं? परमेश्वराने जे काय सांगितलं आहे विचारलं आहे त्याचं उत्तर देण्याकरिता आपण आज्ञाकारिक आहो का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्डिंग? ये जो है उस प्रभु को उत्तर देने का अर्थ क्या है? आणि परत उत्तर देणं याचा अर्थ काय? डूइंग व्हाट एवर ही हैज आस्क्ड अस टू डू। जो कुछ उसने हमसे करने के लिए कहा है उसको करना। जे काय त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे ते सर्वस्व करणं। नॉट डूइंग व्हाट those things that he did not want us to do. जो कुछ वो हमसे करने के लिए नहीं चाहते हैं उन बातों को नहीं करना। आणि जो ते अपेक्षित नाही ते कृत्य आपण करू नये। Let the Lord fill our hearts with this faith. परमेश्वर
हमारे हृदय को इस विश्वास से भरनी दीजिए. आणि परमेश्वराने आपलं अंतकरण अशा प्रकारच्या विश्वासाने भरू द्या. As we leave this place, let us go with that faith that we will obey the Lord in every aspect, not to do and to do. जैसे हम इस स्थान को छोड़कर जाएंगे, इस विश्वास के साथ हम जाएं कि जो है जो परमेश्वर करने के लिए कहता है वो करें, जो नहीं करने के लिए कहता है वो हम नहीं करें. आणि हे स्थान आपण सोडून जात असताना आपल्यामध्ये अशा प्रकारचा विश्वास असू द्या, परमेश्वराला अपेक्षित असणाऱ्या गोष्टी आम्ही करणार, न अपेक्षित गोष्टी नाही करणार. प्रभु के पवित्र नावाला धन्यवाद असो. फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन इज दैट वी इम्प्लिसिटली ओबे, दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन. अंगीकार का पहला पहलू ये है कि हम जो है तुरंत आज्ञाकारी होकर दिखाई देना चाहिए. आणि स्वीकार करण्याचा सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे की आपण मान्य कराव. सेकंड एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन इज दैट वी हैव अ नॉलेज कंसर्निंग द सेविंग वर्क और सेविंग फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट. और अंगीकार का दूसरा पहलू यही है कि जो है प्रभु यीशु मसीह के उद्धार करने का जो कार्य है हम उसमें विश्वास करना. आणि हे जे स्वीकार करणं याचा दुसरा भाग असा आहे, प्रभू येशू ख्रिस्त जो तारणार आहे याविषयी आपण विश्वास बाळगावा. थर्ड एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन इज दैट वी ट्रस्ट एंड हैव कॉन्फिडेंस इन क्राइस्ट. अंगीकार का तीसरा पहलू प्रभू येशू मसीह में हमको पूरा भरोसा है. आणि स्वीकार करण्याचा तीसरा भाग प्रभू येशू ख्रिस्तावरती आमचा पूर्ण विश्वास आहे. द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन इन्वॉल्व्स दैट we reveal Christ or we become a witness unto Christ. अंगीकार का चौथा पहलू ये है कि हम मसीह को जो है प्रकट करते हैं, हम जो है मसीह के गवाह हैं. आणि आपण चौथा भाग पाहतो की आम्ही प्रभु येशू ख्रिस्ताला प्रकट करतो व त्याची आम्ही साक्ष आहो. Praise be to his holy name. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति. धन्यवाद असो. Dear brother, dear sister. प्रिय भाई, प्रिय बहन. प्रिय बंधु व भगिनींनो. When we say that we have to hold fast the profession. जब हम ये कहते हैं हम अंगीकार को दृढ़ता से थांबे रखना चाहिए. आणि जेव्हा आपण म्हणतो की हे स्वीकार करणं, जेव्हा आपण त्याला दृढ धरून राहतो. That we must be totally surrendering ourselves to be obedient unto God. उसका अर्थ है पूरी रीति से प्रभु के आज्ञाकारी होने के लिए हम समर्पण करते हैं. त्याचा अर्थ पूर्णपणे परमेश्वराच्या आज्ञेचं पालन करण्यास आपण समर्पण करतो. In John chapter 10 verse 27. यूहन्ना 10 अध्याय उसका 27 वचन. यूहन 10 अध्याय त्याचा 27 वा वचन. माझी मेंढरे माझी वाणी ऐकतात, मी त्यांना ओळखतो व ती माझ्या मागे येतात. मेरी भेडे मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Praise be to his holy name. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो. देवाच्या पवित्र नामास धन्यवाद असो. Here the good shepherd is telling, my sheep hear my voice and they I know them, they follow me. यहाँ पर अच्छा चरवा कहते हैं, मेरी भेड़ी मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं. आणि या ठिकाणी उत्तम मेंढपाळ म्हणत आहे, माझी मेंढरे माझी वाणी ऐकतात, मी त्यांना ओळखतो व ती माझे मार्गे येतात, माझ्या मागे येतात. लेट अस होल्ड फास्ट दिस प्रोफेशन. इस अंगीकार को आइए हम दृढ़ता से पकड़े नहीं. आणि हे स्वीकार करणं आपण दृढ प्रकारे धरून ठेवू. टू बी ओबिडियंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंड आई मस्ट बिकम अ शीप. सबसे पहले आज्ञाकारी होने के लिए मैं और आप भेड़ बनना चाहिए. आज्ञेचं पालन करण्याकरिता सर्वात प्रथम आपण मेंढरं झालं पाहिजे. द शीप विल cannot do anything of itself, the sheep has to follow what the shepherd says. भेड़ अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ चरवा कहता है उसको उसके पीछे चलना है. आणि मेंढरू आपल्या स्वतःच्या इच्छेने काय करू शकत नाही, जे काय मेंढपाळ सांगतो त्या अनुसार ते करतात. माय शीप हियर माय वॉइस. मेरी भेडी मेरा शब्द सुनती है. माझी मेंढरे माझे वाणी ऐकतात. फ्रॉम दॅट व्हाट वी अंडरस्टँड, इससे हम क्या समझते हैं, आणि त्यातून आपल्याला काय कळतं. द शीप विल नॉट हियर स्ट्रेंज वॉइसेस. भेड़ जो है पराई शब्द को नहीं सुनेंगी. आणि दुसरं कोणचीही वाणी मेंढरे ऐकणार नाही. There will be some people or there will be some person coming in the way of a shepherd and deceiving us. We should not be deceived. चरवाहे को छोड़कर मार्ग में और कई जो पराई लोग आएंगे उनके धोखा देने के लिए उनके धोखे में हम नहीं आना चाहिए. आणि मेंढपाळाला सोडून असे दुसरे काय वाणी किंवा मार्ग येतील त्याच्यामध्ये धोखा केला जाऊन आपण त्या ठिकाणी जाऊ नये. The garden of Eden, he that evil
shepherd entered. आदन की वाटिका में उस बुरी चरवाई ने प्रवेश किया. आदन बगीचे मध्ये तो जो वाइट मेंढपाळ होता त्याने तिथे प्रवेश केला. He deceived Eve. उसने हवा को बहकाया. आणि हवेला त्याने भुरळ घातली. So that is why Saint Paul is writing to Corinthians. इसने संत पौलुस से करिंथियों को लिखते हुए कहता है. म्हणून प्रेषित पौल करिंथिकराला लिहिताना असं म्हणतो. As Eve was deceived, let us not be deceived from the simplicity that is in Christ. जे मसीह की सिधाई के से जो हवा बहकाई गई उस तरह से हम बेकाय नहीं जाना चाहिए. ख्रिस्ताच्या सरळतेने ज्या प्रकारे हवेला भुरळ घातण्यात आली, धोका देण्यात आला, त्या प्रकारे आपला धोका होऊ नये. हालेलुया. To wake you up, I shout hallelujah. और जे sometimes because of the condition you may slumber, that is why just raise you up, I shout hallelujah. क्योंकि अवस्था ऐसी है, कई बार आपको सुस्ती आएगी, उंगने का अनुभव आएगा, इसलिए जो है बीच में आपको जगाने के लिए हालेलुया बोलना पड़ता है. आणि तुम्हाला जागा करण्याकरिता कारण का परिस्थिती अशा असल्या कारणास्तव तुम्ही कदाचित झोपी गेले असाल म्हणून जागा करण्यास हालेलुया म्हणावं लागलं. सो वी शुड नॉट हियर the strange person's voice. इसलिए हम पराई व्यक्ति की अजनबी की आवाज को सुनना नहीं चाहिए. अनओळखी व्यक्तीची वाणी त्याच्याकडे आपण कान देऊ नये. Oh, this COVID-19 will enter you. क्या ये COVID-19 जो है मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगा? आणि COVID-19 काय माझ्या मध्ये प्रवेश करेल काय? The enemy will come and tell in your ears like that. शत्रु आपके कान में आकर इस प्रकार से कहेगा. आणि शत्रु तुझ्या कानामध्ये येऊन अशा प्रकारे बोलत असेल. But our ears are tuned only to the voice of Jesus. लेकिन हमारे कान केवल प्रभु येशू मसीह की आवाज की ओर ही हम लगाना चाहिए. परंतु अपने कान केवल परमेश्वराच्या येशूच्या वाणीकडे असले पाहिजे. So when we hear his voice and obey, no such things can enter our lives. इसलिए जब हम उसका शब्द सुनकर आज्ञा मानेंगे, ऐसी कोई भी बात जो है हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी. आणि अशा प्रकारे त्याच्या वाणीकडे आपण कान देत असताना कुठल्याही वेगळ्या गोष्टी आपणा मध्ये प्रवेश करणार नाही. So let us not give room for rumors. Let us not hear rumors. इसने जो है अफवाहों को सुनने के लिए हम जगह ना दे. म्हणून जे काय खोट्या गोष्टी आहेत ते ऐकण्यासाठी जागा देऊ नका. My ears are tuned only to the voice of Jesus. मेरे कान केवल प्रभु येशु मसीह की आवाज की ओर ही लगे रहेंगे. माझे कान केवल प्रभु येशु ख्रिस्ताच्या वाणीकडे लागलेले असो. Because he knows me. क्योंकि वो मुझे जानता है. तो मला ओळखतो. Oh, we are all known by Jesus. हम सब प्रभु येशु मसीह के द्वारा जानी गई. येशु ख्रिस्त अपने सर्वांना ओळख. How is he knowing us? वो किस प्रकार से हमें जानता है? तो आपल्याला कसा ओळखतो? My daughter, my son, they will hear only my voice. मेरा बेटी जो है केवल वो मेरी आवाज को ही सुनेगी. माझा मुलगा, माझी मुलगी केवल माझी वाणी ऐकताय. Oh, they will not hear the enemy's voice. वो शत्रु की आवाज को नहीं सुनेगी. शत्रूंची वाणी ते ऐकणार नाही. They will not give room for any doubts in their heart. आपके हृदय में किसी प्रकार की संदेह को वो लोग जगह नहीं देंगे. त्यांच्या मनामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या संशयाला ते जागा देणार नाही. Because the word of God says our God is a faithful God who will keep us from all evil. क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है प्रभु जो है विश्वास योग्य है सारी बुराई से, दुष्ट से वो हमको बचा के रखेगा. कारण का अपना परमेश्वर म्हणतो तो विश्वसनीय परमेश्वर है, सर्व दुष्ट बाप्तीतीन तो अपना रक्षण करील. Such people are people who are holding fast the profession. ऐसे लोग वो लोग हैं जो अपने अंगीकार को दृढ़ता से पकड़ी रखते हैं. आणि ते असे लोक आहेत जे आपला जे स्वीकार करणाऱ्याला ते दृढ धरून राहतात. My sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है. माझी मेंढर माझी वाणी. I know them. मैं उनको जानता हूँ. मी त्यांना ओळखतो. They follow me. मेरे पीछे पीछे वो हो लेती है. ते माझ्या मागे मागे येतात. How we have to follow Jesus. किस प्रकार हम प्रभु येशू मसीह के पीछे होना है. येशूच्या मागोमाग आपण कशा रीत चालव. Luke chapter 9. लुका 9 अध्याय. लुकाचं पुस्तक 9 अध्याय. Verse 22. और 22 वचन. 22वं वचन. आणि म्हटले, मनुष्याच्या पुत्राने पुष्कळ दुःखे भोगावी, वडील मंडळी मुख्य याजक व शास्त्री यांच्याकडून नाकारले जावे, जीवे मारले जावे आणि तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठविले जावे, ह्याचे अगत्य आहे. और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है. जर कोणी माझ्या मागे येऊ पाहतो तर त्याने आत्मत्याग करावा व दररोज स्वतःचा वधस्तंभ उचलून घेऊन मला अनुसरावे. उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले.
And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Let him deny himself. वो अपने आप से इनकार करे. आणि त्यांनी त्याच्या स्वतःचा त्याग करावा. Take up the cross daily and follow me. प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे होले. दर रोज स्वतःचा वधस्तंभ उचलून माला त्यांनी अनुसराव. क्रूस लेकर अपना चले. प्रतिदिन उसके पीछे होली जय यीशु के समान जय बंधो के आगे बढ़े क्रूस लेकर पिना चली प्रतिदिन उसके पीछे होली जैसे यीशु के सिंहासन पर बैठेंगी पहली पावी जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आस से पहुंचेगा हालेलुया सो वी हैव टू टेक अप द क्रॉस एंड डिनाय आवरसेल्फ्स And daily follow Jesus. हमको क्रूस को उठाना है अपने आप का इनकार करना है और प्रतिदिन प्रभु येशु मसीह के पीछे हो लेना है आणि आपण आपला वधस्तंभ उचलावा प्रति दिवस आपण आपला नाकार करावा प्रभु येशु ख्रिस्ताच्या मागोमाग आपण चालावं So there are people who can hold fast the profession of faith. वही ऐसे लोग हैं जो अंगीकार को दृढ़ता से थांबी रखते हैं आणि तेच लोक आहेत जे आपल्या आशेला पत्करून दृढ धरून राहतील And when we go to John chapter 15 and read the 10th verse और जब हम यूहन्ना 15 अध्याय की 10 वचन को पढ़ते हैं यूहन्ना त्याचा 15 अध्याय त्याचा 10 वचन जसा मी आपल्या पित्याच्या आज्ञा पाळून त्याच्या प्रीतीत राहतो तसे तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर माझ्या प्रीतीत राहाल और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स यू शैल अबाइड इन माई लव इवन एज आई हैव केप्ट माई फादर्स कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन हिज लव प्रेज़ बी टू हिज होली नेम प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति देवाचा पवित्र नामास धन्यवाद असो हाउ द लॉर्ड नोस अस कैसे परमेश्वर हमें जानता है परमेश्वर आपल्याला कसा ओळखतो दैट वी विल लव हिम एंड कीप हिज कमांडमेंट्स कि हम जो है उसको प्रेम करेंगे और उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे कि आपण त्याच्यावरती प्रीति करावी त्याच्या आज्ञेचं आपण पालन करावं इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स यदि तुम मुझे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे अनिसा तुम्ही माझ्यावरती प्रीति करता तो माझ्या आज्ञेचं पालन करताल सो डियर ब्रदर डियर सिस्टर इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन म्हणून प्रिय बंधू व भगिनींनो इफ वी से दैट आई होल्ड फास्ट द प्रोफेशन यदि हम कहते हैं कि मैंने अंगीकार को दृढ़ता से थांबी रखा है म्हणून माझ्या आशेला पत्करून जेव्हा मी दृढ धरतो असं तुम्ही म्हणता वी मस्ट कीप द कमांडमेंट्स ऑफ जीसस तो हम प्रभु येशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करना चाहिए जेव्हा येशु ख्रिस्ताच्या आज्ञेचं पालन आपण करावं Jesus said that a new commandment I give unto you. यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ. यीशु म्हणतो मी तुम्हाला नवीन आज्ञा देत आहे. Read John chapter 13. यूहन्ना 13 अध्याय. यूहन्न त्याचा 13 अध्याय. Read the 34th verse. 34 वचन पढ़िए. 34 वचन वाचूया. मी तुम्हास नवी आज्ञा देतो की तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी. जशी मी तुम्हावर प्रीती केली तशी तुम्हीही एकमेकांवर प्रीती करावी. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो A new commandment I give unto you that ye love one another as I have loved you that ye also love one another As I have loved you ye also love one another that is the new commandment जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो ये नई आज्ञा है आणि जसं मी तुम्हावरती प्रीति केली तशी तुम्ही इतरांवरती प्रीति करा ही नवीन आज्ञा आहे सो गॉड वॉन्ट्स अस और जीसस वॉन्ट्स अस टू बी ओबीडियंट
to the commandment which he has given to us. परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह जो है हमें उसने जो हमें आज्ञा दी है उसके आज्ञाकारी रहने के लिए वो चाहते हैं. आणि प्रभु यीशु ख्रिस्त ज्यांनी आपल्याला ही नवीन आज्ञा दिली आहे त्या आज्ञेचं पालन करणं हे तो अपेक्षित आपल्याकडून अपेक्षा करतो. This perfect obedience comes through perfect love. ये सिद्ध आज्ञाकारिता सिद्ध प्रेम से आती है. परिपूर्ण आज्ञेचं पालन करणं हे प्रीतीच्या द्वारे होतं. If I perfectly love Jesus. यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को सिद्ध रीति से प्रेम करता हूँ तो जमी पूर्णपणे प्रभु येशु ख्रिस्तावर प्रीति करत असल्याने Why you have to love Jesus perfectly? क्यों प्रभु येशु मसीह को मैं सिद्ध रीति से प्रेम करना चाहिए? पूर्णपणे येशु वरती विने का प्रीति करावी? Because when we were enemies, he perfectly loved us and gave his life for us. क्योंकि जब हम शत्रु ही थे उसने सिद्ध रीति से हमसे प्रेम किया अपना जीवन उसने हमारे लिए दे दिया. आणि जेव्हा आपण शत्रु होतो पूर्णपणे त्यांनी आपल्यावरती प्रीति केली अपनास्तव त्यांनी आपलं प्राण अर्पिलं. If I perfectly love Jesus. यदि मैं सिद्ध रीति से प्रभु येशु मसीह को प्रेम करता हूँ तो जमी पूर्णपणे प्रभु येशु ख्रिस्तावरती प्रीति केल्याने I have to keep his commandment. तो मुझे उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा. तेव्हा त्याच्या आज्ञेचं पालन मला करावं लागेल. Where the Lord has put this commandment? कहाँ पर परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को रखा है? परमेश्वराने त्याच्या आज्ञा कुठे ठेवल्या? He has put it down in our heart and in our mind. उसने हमारे हृदय में और हमारे मन में डाला है. आपल्या अंतकरणामध्ये आपल्या मनामध्ये त्यांनी टाकले. He has written down in our heart and in our mind. उसने हमारे हृदय और मन में उनको लिखा है. आपल्या अंतकरणामध्ये आपल्या मनावरती त्यांनी ते लिहिले आहे. By the anointing of the Holy Spirit. पवित्रात्मा के अभिषेक द्वारा. पवित्रात्मा अभिषेकाद्वारे. The love of God has been shed abroad in our hearts. परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडीला गया है. पवित्र आत्म्याचा प्रीति आपल्यामध्ये ओतली गेली. And I have to perfectly obey his commandment. और मैं सिद्ध रीति से उसकी आज्ञाओं को पालन करना ही है. पूर्णपणे त्याच्या आज्ञेचं पालन केलं हवं. That is the true Christian life. वही सच्चा मसीह जीवन आणि तेच खरोखर रीतीने ख्रिस्ती जीवन. What Jesus said? येशू ने क्या कहा? येशू काय म्हणाला? New commandment I given you unto you. एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ. मी तुम्हाला नवीन आज्ञा देतो. Love the other as I love you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी दूसरों को प्रेम करो. जसं मी तुम्हावरती प्रीति केली तशी तुम्ही एकमेकांवरती प्रीति करा. It is called a new commandment. ही एक नई आज्ञा कहलाती है. येशू म्हणतो ही नवीन आज्ञा आहे. So there must be an old commandment. और तो फिर जो है ऐसा है तो पुरानी आज्ञा भी होनी चाहिए. असं असेल तर त्याचा अर्थ जुन्ना वायदा पण आहे. So what is the old commandment? तो पुरानी आज्ञा क्या है? आणि जुनी आज्ञा ती काय? Leviticus chapter 19 and verse 18. लेविवस्था 19 अध्याय का 18 वचन. लेवी 19 अध्याय 18 वचन. सूड उगू नको किंवा आपल्या भाऊबंदापैकी कोणाचा दावा धरू नको तर तू आपल्या शेजाऱ्यांवर स्वतःसारखी प्रीती कर. मी परमेश्वर आहे. पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना. मैं यहोवा हूँ. Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. If you want the Lord to be a God in the Old Testament, यदि आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर जो पुरानी नियम का परमेश्वर होना है तो जुन्या करारचा परमेश्वर तुमचा परमेश्वर व्हायचा असेल अशी तुमची अपेक्षा असल्यास you love the other, you love your neighbor. Do not take revenge. आप दूसरों को प्रेम करना पड़ोसी को प्रेम करना आप पलटा नहीं लेना. आणि तुम्ही एकमेकांवरती प्रीति करा शेजाऱ्यावरती प्रीति करा परंतु त्यांचा बदला घेऊ नका. But in the New Testament a new commandment is given. परंतु नए नियम में एक नई आज्ञा दी गई है. परंतु नवीन करारामध्ये एक नवीन आज्ञा दिली आहे. Love your neighbor as I love you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है करता हूँ वैसे तुम भी अपने पड़ोसी को प्रेम करो. जस मी तुझ्यावरती प्रीति केली तसे तू तुझ्या शेजाऱ्यावर प्रीति कर. When we have that love of Jesus in us. जब येशु का प्रेम हमारे जीवन में दिखाई देगा. येशूची प्रीति जब आपल्यामध्ये दिसेल. Any number of times this brother will do anything against me, I will forgive him. ये भाई कितनी ही बार कितनी ही गलतियां मेरे विरोध में करे मैं उसको क्षमा कर दूंगा. आणि या बंधूने किती वेळा सुद्धा माझ्या विरोधामध्ये किती चुका जरी केल्या तरी मी त्याला क्षमा करील. That is the power of love. वो जे है प्रेम की सामर्थ्य. आणि ते प्रीतीचं सामर्थ्य आहे. And this new commandment let it be written down in our heart and in our mind. और ये नई आज्ञा जो है हमारे हृदय और हमारे मन में लिखी जाने दीजिए. आणि हे नवीन आज्ञा आपल्या अंतकरणामध्ये आपल्या मनामध्ये तुम्ही लिहून घ्या. Then only I can save and we can save. We are holding fast the profession. तभी केवल मैं और आप कह सकते हैं कि हम जे विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं. आणि तेव्हाचा
अपन म्हणू शकू विश्वासाचं स्वीकार करणं याला अपन दृढ प्रकारे धरलं आहे. If you are having any bitterness against anybody, you are not holding fast the profession of your faith. यदि आपको किसी के प्रति कुछ भी कडवाहट है तो आप अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़ी हुई नहीं है. आणि जर कोणाविषयी तुम्हामध्ये कुठल्याही प्रकारची कटुता असल्याने तुमच्या विश्वासाचं दृढ धरणं तुम्ही पूर्णपणे केलं नाही. If you are not able to forgive your brother and you are not holding fast the profession of faith. यदि आप अपने भाई को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो आप विश्वास के अंगीकार को पकड़े नहीं रहते हैं. आणि जर तुझ्या भावाला तू क्षमा करू शकत नाही विश्वासाची कबुली तो दृढपणे धरत नाही. Oh, this is the counsel this morning the Lord is giving unto us. ही सलाह जो प्रभु हमारे हमको सुबह के समय में देना है. आणि ही गोष्ट या सकाळच्या वेळी परमेश्वर आपल्याला देत आहे. Oh, this is the new commandment. Let it be there in our heart and in our mind that I will love others as Jesus loves me. ये नई आज्ञा है, ये हमारे हृदय और हमारे मन में दिखाई देनी चाहिए. जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया हम भी दूसरों को वैसे ही प्रेम करें. आणि ही नवीन आज्ञा आपण आपल्या अंतकरणामध्ये आपल्या मनामध्ये आपण बिंबून लावूया. जसं येशूने मजवरती प्रीती केली मी एकमेकांवरती प्रीती करेन. Then only the faithful God will perform the work that is started in you. तभी केवल विश्वासयोग्य परमेश्वर जिस जो काम उसने आपके जीवन में आरंभ किया है उसको वो सिद्ध करेगा. त्याच्यानंतर विश्वासयोग्य परमेश्वर जे कार्य त्यांनी तुमच्या जीवनामध्ये सुरू केलं ते तो पूर्ण करील. द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन अंगीकार का दूसरा पहलू आणि हे कबुली करणं याचा दूसरा भाग इन्वॉल्व्स अ सेविंग नॉलेज ऑफ क्राइस्ट. मसीह के उद्धार का ज्ञान को हम रखना. ख्रिस्ताच्या तारणाचं ज्ञान आपणा मध्ये असावं. Gospel was given to mankind for what? सुसमाचार मानव जाति को किसले दिया गया? सुवार्ता मानव जाति करिता का देण्यात आली? Gospel is preached to mankind for what? सुसमाचार जे मानव जाति को क्यों प्रचार किया गया? मनुष्य जाति करिता सुवार्तेचा प्रचार का झाला? That everyone who hear the gospel may come into the knowledge of Christ. ताकि जो लोग सुसमाचार को सुनते हैं वो मसीह के ज्ञान में या पहचान में आ जाएं. कारण का जो कोणी सुवार्ता ऐकतो ख्रिस्ताच्या ज्ञानामध्ये त्याच्या ओळखमध्ये त्यांनी येण्याकरिता. Proverbs Solomon is telling the knowledge of the Holy One is knowledge. और जो है सुलेमान कहता है पवित्र को जानना या उसके बारे में ज्ञान रखना ही समझ है. सलमोन राजा नीति सूत्रात म्हणतो पवित्रतेला जानणं हेच त्याचं ज्ञान व ओळख आहे. So if you say that you have eternal life. यदि आप कहते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है. आणि जर तुम्ही म्हणत असाल तुम्हाकडे सार्वकालिक जीवन आहे. We believed in Jesus. प्रभु येशु मसीह पर हमने विश्वास किया. प्रभु येशु ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवला. हमारे पापों को हमने अंगीकार किया. पापांची कबूली केली. Death has been removed and we are coming to the eternal life. और हमारे पाप जो है हमसे दूर हो गए हम अनंत जीवन में आ गए. आणि आपल्या पाप आपल्यापासून दूर झाले सार्वकालिक जीवनात आपण आलो. John the apostle in John chapter 17 verse 3 what is he saying? और यूहन्ना 17 अध्याय की 23 वचन में यूहन्ना क्या कहता है? यूहन 17:23 मध्ये प्रेषित पौल काय म्हणतो? John chapter 17 verse 3 यूहन्ना 17 अध्याय का 3 वचन. यूहन 17 अध्याय 3 वचन. सार्वकालीन जीवन हेच आहे की तू जो एकच खरा देव त्या तुला व ज्याला तू पाठवले ते येशू ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे. और अनंत जीवन य है की वे तुझे अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और येशू मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Dear brother, dear sister. Priye bhai, priye behen. Priye bandhu va bhagininno. The more we try to or yield ourselves to know Jesus, we are increasing eternal life. Jitna adhik Yeshu Masih ko janne ke liye hum yatna karenge uske bare mein chahenge utna adhik anant jeevan ko hum prapt karenge. Ani Kristala olakhnya karita va tala janun ghenya karita jitka adhik apan parishram karat asto sarvakalik jeevanamade titki adhik apli vad hote. So let us not give room in our heart and in our mind to know the failures of others that will bring death in our life. हमारे हृदय और मन में दूसरों की गलतियों के बारे में जानने के लिए आग्रह हम नहीं करें ये बात हमारे जीवन में मृत्यु को लाएगी. आणि दुसऱ्यांच्या जीवनामध्ये होणारे पराजय त्या गोष्टी आपल्या अंतकरणी व मनामध्ये येऊ नये कारण का त्यास्तव आपल्या जीवनामध्ये मृत्यू येईल. When I say that I hold fast my profession, what does it mean? जब मैं ये कहता हूँ मैं अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़ी हुई हूँ इसका अर्थ क्या है? आणि जेव्हा तुम्ही म्हणता माझ्या विश्वासाची कबूली
खोली याला मी खंबीरपणे धरलं याचा अर्थ काय इन माय हार्ट अँड इन माय माइंड दिस इज द ओनली थिंग दॅट आय मस्ट नो जीसस मोर अँड मोर मेरे हृदय और मन में केवल यही एक बात है कि मैं प्रभु येशू मसीह के बारे में अधिक अधिक जानना चाहिए माझ्या अंतकरणामध्ये माझ्या मनामध्ये एकच गोष्ट चालती की मी माझ्या येशूला अजून किती प्रकारे जाणून घेऊ 13 एपिसल्स सेंट पॉल हैज रिटन संत पौलोसने 13 पत्रियों को लिखा है आणि प्रेषित पौलाने 13 पत्र लिहिले इन हिज लास्ट एपिसल व्हाट इज ही टेलिंग उसकी आखरी पत्री में वो क्या कहता है त्याच्या शेवटल्या पत्रात तो काय म्हणतो दैट आई मे नो हिम ताकि मैं उसको जान लू की मी त्याला ओळखण्यास दैट आई मे नो हिम ताकि मैं उसको जान जाऊ की मी त्याला ओळखण्यासाठी ओ डियर ब्रदर डियर सिस्टर प्रिय भाई प्रिय बहन प्रिय बंधू व भगिनींनो व्हेन वी से दैट वी होल्ड फास्ट अ प्रोफेशन ऑफ फेथ जब हम ये कहते हैं विश्वास के अंगीकार को मैंने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है जेव्हा आपण म्हणतो विश्वासाची कबुलीला मी जेव्हा दृढ धरला आहे आई नो ओनली जीसस मैं केवल प्रभु येशु मसीह को ही जानता हूँ आणि मी फक्त येशूला जानत आहे दैट इज व्हाट सेंट पॉल इज टेलिंग अंडर द कोरिंथियन चर्च वही संत पौलुस ये कोरिंथियो कलीसिया को कहता है प्रेषित पौल कोरिंथीच्या मंडळीला काय म्हणतो आई वांट टू सी इन यू ओनली द क्रूसिफाइड जीसस मैं केवल तुम्हारे अंदर क्रूस पर चढ़ाई मसीह को ही देखना चाहता हूँ तुम्हामध्ये वधस्तंभावरती खिळलेला ख्रिस्त केवळ तोच मला दिसो दैट इज व्हाई ही हिमसेल्फ इज टेलिंग आई एम क्रूसिफाइड विद जीसस इसलिए वो स्वयं कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया म्हणून तो स्वतः म्हणतो ख्रिस्ता बरोबर मी वधस्तंभावरती खिळलो गेलो सो इफ आई से दैट आई होल्ड फास्ट माय प्रोफेशन ऑफ फेथ यदि मैं ये कहता हूँ कि मैंने विश्वास के अंगीकार को पकड़ा हुआ है आणि जेव्हा मी म्हणतो विश्वासाचा कबुली मी दृढ धर लिया है आई लिव अ लाइफ क्रूसिफाइड विद जीसस मेरा जीवन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है माझे जीवन ख्रिस्ता बरोबर वधस्तंभावरती असो नोड क्रूसिक पटवनायन ninakai jeevikunu ninnodu krusikappettavanaiyan ninakai jeevikunu yenishtam cheyuvanavathilenikku vallavane nilchivippada yenishtam cheyuvanavathilenikku vallavane Dear brother, dear sister. इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन म्हणून प्रिय बंधू व भगिनींनो आई होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ फेथ मैं विश्वास के अंगीकार को मैंने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है मी विश्वासाच्या कबुलीला दृढपणाने आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ ख्रिस्तास बरोबर मी वधस्तंभावरती खिळलो नेवर्थलेस आई लिव अभी मैं जीवित हूँ तो भी आता मी जिवंत आहे तरी सुद्धा आई लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीवित हूँ परमेश्वराच्या पुत्राच्या विश्वासाद्वारे मी जिवंत आहे दैट इज द प्रोफेशन ऑफ फेथ वही हमारे विश्वास का अंगीकार है आणि तेच विश्वासाची कबुली आहे आई डोंट लिव बाय माय फेथ मैं अपने विश्वास से जीवित नहीं रहता माझ्या विश्वासाने जगत नाही आई कैन नॉट लिव अ होली लाइफ विद माय फेथ मैं पवित्र जीवन अपने विश्वास के द्वारा जीवन बिता नहीं सकता मी पवित्र जीवन माझ्या विश्वासाच्या द्वारे जगू शकत नाही आई कैन नॉट लिव अ विक्टोरियस लाइफ विद माय फेथ मी विश्वास के द्वारा मी जीवन बिता नहीं सकता एक विजयी जीवन माझ्या विश्वासाद्वारे मी जगू शकत नाही आई लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से मैं जीवित हूँ परमेश्वराच्या पुत्राद्वारे विश्वासाच्या द्वारे मी जिवंत आहे हालेलुया हालेलुया दैट इज द प्रोफेशन ऑफ फेथ वही विश्वास का अंगीकार है विश्वासाची कबूली आहे एंड देन वी कैन से दैट ही इज माय सेवियर तभी केवल हम कह सकते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है आणि तेव्हा आपण म्हणू शकू की होय तो माझा तारणारा आहे जॉन चैप्टर 4:42 यूहन्ना 4:42 आणि योहान 4:42 वचन आणि ते त्या स्त्रीला म्हणाले आता तुझ्या बोलण्यावरूनच आम्ही विश्वास धरतो असे नाही कारण आम्ही स्वतः ऐकले आहे व हा खचित जगाचा तारणारा आहे हे आम्हाला कळले आहे और उस स्त्री से कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते
क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है. And said unto the woman, Now we believe not because of thy saying, for we have heard him ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior of we the world. We heard and know that this is indeed Christ, the Savior. हमने सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है. अनि आम्ही जाणलं व ऐकलं की खरोखर हा जगाचा तारणारा आहे. So in that world, you can put your name. और तो उस वचन में आप अपने नाम को रख सकते हैं. Place where the world is said, you can put your name. और जहाँ पर वो वचन लिखा है वहाँ पर आप अपने नाम को रख world, सकते world, हैं. World, world, आणि त्या ठिकाणी जिथे जग लिहिलं आहे त्या ठिकाणी तुम्ही तुमचं नाव ठेवा. जहाँ पर जगत का उद्धार करता है लिखा है वहाँ पर आप अपने नाम को रख सकते हैं. This is indeed my savior. ये सचमुच में मेरा उद्धार करता है. खरोखर हा माझा तारणारा आहे. Jesus is indeed my savior. येशु सचमुच में मेरा उद्धार करता है. खरोखर येशु माझा तारणारा आहे. He has indeed saved me from my sins. उसने सचमुच जो है मेरे पापों से मेरा उद्धार किया है. खरोखर त्यांनी माझ्या पापांची क्षमा केली आहे. He saved me from this world. उसने इस जगत से मेरा उद्धार किया है. आणि या जगापासून त्यांनी मला तारण दिले. He saved me from the pleasures of this world. उसने संसार के सुख विलासों से मेरा उद्धार किया है. या जगाच्या सर्व ऐश्वर्यां पासून त्यांनी माझे तारण केले. He saved me from all my sicknesses. उसने मेरी सारी बीमारियों से मेरा उद्धार किया है. माझ्या सर्व आजारापासून त्यांनी मला बरं केलं. This is indeed my savior. ये सचमुच मेरा खरोखर येशू माझा तारणारा आहे. Let us all open our mouth and confess this. आइए सब लोग अपना मुख खोलकर इस बात को अंगीकार करें. आपण आपलं तोंड उघडून सर्वांनी कबुली करा. Jesus is indeed. येशू सचमुच. येशू खरोखर. Jesus is indeed my savior. येशू सचमुच मेरा उद्धार करता है. येशू खरोखर माझा तारणारा आहे. All of you open your mouth and confess. सब लोग अपना मुख खोलकर इस प्रकार अंगीकार कीजिए. अशा प्रकारे कबुली करा. This is not enough. Raise up your voice. All of you, raise up your voice. ये काफी नहीं है. सब लोग ऊंची आवाज से बोलिए. आणि हे पूर्ण नाही. सर्वांनी आपलं तोंड उघडून मोठमोठ्याने बोला. When you confess that, you can experience the saving power. जब आप इसको अंगीकार करेंगे आप उद्धार करने की सामर्थ्य को अनुभव करेंगे. आणि जेव्हा तुम्ही कबुली करताल तारणाच्या अनुभवाचा सामर्थ्य त्याचा अनुभव तुम्ही घेता. Jesus is indeed my savior. येशु मसीह सचमुच मेरा उद्धार करता है. येशु खरोखर माझा तारणारा आहे. All of you together raise up your voice. सब लोग एक साथ मिलकर ऊंची आवाज से कहिए. सर्वांनी एकत्र येऊन मोठ्या आवाजाने बोला. हालेलुया. हालेलुया. We have to hold fast this profession of faith. हम विश्वास की इस अंगीकार को पकड़ी रहना चाहिए. विश्वासाची ही कबूली अपन दृढ़ धरावी. Praise be to his holy name. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो. देवाच्या पवित्र नामास धन्यवाद असो. The third experience or third aspect of profession. अंगीकार का तीसरा पहलू. विश्वासाची कबूली करणं याचा तीसरा भाग. That is we trust and have confidence in Christ. मसीह में हमको भरोसा है. हमें हियाव है. ख्रिस्तामध्ये आपल्याला भरोसा किंवा विश्वास आहे आणि त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवतो. प्रोफेशन ऑफ फेथ. विश्वास का अंगीकार. आणि विश्वासाची कबुली. वी रिसीव क्राइस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले हमने मसीह को प्राप्त किया, ग्रहण किया. सर्वात प्रथम आपण ख्रिस्ताला स्वीकार केलं. सेकंडली वी सरेंडर आवर लाइफ टू बी बिल्ट ऑन क्राइस्ट. दुसरा मसीह में निर्माण होने के लिए अपने जीवन को हमने अर्पण किया. ख्रिस्तामध्ये आपली रचना होण्याकरिता आपण आपलं जीवन समर्पण केलं. थर्डली वी सरेंडर आवरसेल्फ टू बी United with Christ. तीसरा मसीह के साथ एक होने के लिए हमने अपने आप को समर्पण किया. आणि तीसरा परमेश्वरा बरोबर एक होने करिता आपण आपलं समर्पण केलं. Fourthly, we make Christ all our own. और चौथा मसीह को पूरी रीति से हमने अपना कर लिया. आणि चौथा परमेश्वर प्रभु येशु ख्रिस्ताला पूर्णपणे आपण आपलं स्वीकारलं. And fifthly, we commit all our things into his hands. और पाचवा हमारी सारी बातों को हम उसके हाथ में ही अर्पण कर देते हैं. आणि पाचवा आपण आपल्या सर्व गोष्टी त्याच्या हातामध्ये समर्पण करतो. That is why Saint Paul says to Timothy. Saint Paul us Timothy se kehta hai. Manun preshit Paul Timothy la manat ahe. I know whom I have believed. Jisko maine vishwas kiya use main janta hu. Jachavar mi vishwas thevla tela mi olakhto. And he is able to keep that whatever I committed in his hands until that day. Aur jo kuch maine uske haath mein samarpan kiya hai us din tak uski rakhwali karne ke liye wo samarthi hai. Ani je kami tacha haathat samarpan kele ahe tya divsaparyant tacha rakhan karnyakarita to samarthyashali ahe. You all must be knowing the story of the monkey and the crocodile. Aur je aap bandar aur magarmach ki kahani ko sab log jante honge. Ani makad va magar yachi katha tumhala thauk asel. The monkey wanted to cross the river. Bandar jo hai nadi ko paar karne ke liye chahta tha. Ani makadala nadi paar
पार करायची होती. The crocodile as a good friend, oh my friend, I will take you, I will carry you upon my back, I will make you to cross the river. और मगरमच्छ अच्छा मित्र बनकर उसने ये दिखाना चाहा और उस बंदर से कहा, प्यारे मित्र जो है तुम मेरी कमर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी को पार करवा दूंगा. आणि हे मगर आहे एक चांगला मित्र बनू इच्छित होता म्हणून तो म्हणाला, अरे माकडा माझ्या पाठीवरती बस, मी तुला नदीच्या पलीकडे नेतो. The middle of the river. और नदी के बीच में. आणि नदीच्या मध्यभागी. Crocodile said, I want to eat your heart. मगरमच्छ ने उससे कहा, बंदर मैं तेरे दिल को खाने के लिए चाहता हूँ. मगर म्हणू लागली, मला तुझं हृदय खायचं. So what was the answer of the monkey? तो फिर बंदर का जवाब क्या था? माकडाचं उत्तर काय होतं? You should have told me before itself. तू मुझे पहले ही कहने चाहिए था ना? अरे तू तो मला अगोदरच सांगायचं होतं ना? I left my heart hanging on the tree. मेरे हृदय को, मेरे दिल को मैं जो है पेड़ पर लटका कर आया हूँ. माझं हृदय मी त्या झाडावरती टांगून आलो. The enemy may come and try to take away soul or spirit or your body. शत्रु जो है आपके प्राण को या शरीर को आप इसे लेने के लिए, वो प्रयत्न करने के लिए आना चाहता है. शत्रु तुझे प्राण तुझे शरीर घेण्याकरिता तो प्रयत्न करत असेल. But where is my body? लेकिन मेरा शरीर कहाँ है? परंतु माझं शरीर कुठे? Where is my soul? मेरा प्राण कहाँ है? माझं प्राण कुठे? Where is my spirit? मेरी आत्मा कहाँ है? माझा आत्मा. It is in the safe hands of Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह के सुरक्षित हाथों में है. यीशु ख्रिस्ताचा सुरक्षित हाते ते आहे. Oh, that is the profession of our faith. वही हमारे विश्वास का अंगीकार है. आणि तेच आपल्या विश्वासाची कबुली आहे. My spirit, soul and body is in the hands of Jesus. मेरा आत्मा प्राण शरीर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है. आत्मा प्राण शरीर प्रभु यीशु ख्रिस्ताचा हातामध्ये आहे. It is no more in me, it is not in myself, it is in the hands of Jesus. ये मुझ में नहीं, मेरे अंदर नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है. आणि हे माझ्यामध्ये माझ्या हाताने मध्ये नव्हे, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या हातात सुरक्षित आहे. आमीन. आमीन बोलिए. आमीन. आर यू श्योर? क्या आपको इसका निश्चय है? तुम्हाला खात्री आहे का? यस. There is no life in you. Yes. आपके हाँ उत्तर में कोई भी जीवन नहीं है. आणि तुमच्या उत्तर मध्ये काही प्राण नाही. यस. हालेलुया. Oh, my body, my soul, my spirit is in the hands of Jesus. मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है. माझा जीव, आत्मा, प्राण प्रभु येशूच्या हातामध्ये आहे. And what Jesus says? और येशू क्या कहता है? येशू काय म्हणतो? No power can pluck you out of my hand. कोई भी सामर्थ मेरे हाथों से तुम्हें छीन नहीं सकती. कुठलाही सामर्थ्य माझ्या हातातून तुला हिसकावून घेणार नाही. Every one of us seated here, we are engraved in the palms of hands of Jesus. हम लोग जो सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम रचे गए, खोदे गए हैं. आणि या ठिकाणी बसलेला प्रत्येक जण प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये कोरलेला आहे. Hold fast this profession of faith. इस विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़े रहिए. आणि या विश्वासाची कबुली दृढ़ धरून राहा. Don't doubt anymore. और भी अधिक संदेह मत कीजिए. आणि कुठल्याही प्रकारचा संशय करू नका. It is in the safe hands of Jesus. ये प्रभु येशू मसीह के सुरक्षित या उद्धार करने वाले हाथों प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या सुरक्षितेत व तारणाराच्या हातामध्ये आहे. When we go to Ephesians chapter 3 and read the 20th verse. इफिसियो तीसरा अध्याय की 20 वचन को जब हम पढ़ते हैं. इफिसियो राजपत्र 3:20 मध्ये वाचतो. जास्तीत जास्त अर्थात आपल्या मागण्या किंवा कल्पना ह्या पलीकडे आपल्या मध्ये कार्य करणाऱ्या शक्तीप्रमाणे अधिक्याने कार्य करावया जो समर्थ आहे. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. According to the power that worketh in us. उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है. अनित्य शक्ति प्रमाणे जे आपल्या मध्ये कार्य करता. We make our Jesus able one. हमारे प्रभु येशु मसीह को हम सामर्थ्य योग्य बना देते हैं. अपन अपना प्रभु येशु ख्रिस्ताला सामर्थ्यशाली असं बनवतो. यू एंड आई शुड मेक अवर जीसस एबल. आप और मैं प्रभु येशु मसीह को सामर्थ्य बनाना चाहिए. तुम्ही व आम्ही आपला प्रभु येशु ख्रिस्ताला सामर्थ्य बनवावा. इट इज अकॉर्डिंग टू द पावर दैट इज वर्किंग इन अस. ये उस सामर्थ्य के अनुसार है जो हम में कार्य करता है. आणि ते सामर्थ्य आहे जे आपल्या मध्ये कार्य करतं. दैट इज व्हाई वी हर्ड द लॉर्ड इज टेलिंग ही हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ही हैज गिवन स्पिरिट ऑफ पावर एंड लव एंड साउंड माइंड.
mind. इसलिए हमने सुना परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी, मैंने तुम्हें जो सामर्थ्य प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर मन तुम्हें तुम्हारा भीतीचा आत्मा दिला नहीं परंतु धीराचा सौम्यतेचा प्रीतीचा आत्मा दिला है। So dear brother, dear sister. इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन प्रिय बंधु व भगिनी What Saint Paul says? संत पौलुस क्या कहता है? प्रेषित पौल काय म्हणतो? He is able to do. वो करने के लिए योग्य है। तो करण्यासाठी योग्य है। Exceeding. और जे अत्यधिक आणि जास्ती जास्त Abundantly. और जे बहुतायत से भरपूर रीतीने Above all. और सबसे अधिक सर्वहून अधिक Ask a think. और जे मांगने और सोचने से बढ़कर मांगने व कल्पनेच्या पलीकडे We have experienced in our day to day life. हमने दिन प्रतिदिन के जीवन में इस बात को अनुभव किया है। दिवसान दिवसा जीवनामध्ये आपण तो अनुभव घेतो। Let us not lose that confidence of faith. हमारे विश्वास के अंगीकार को हम खोई नहीं। विश्वासाच्या कबुलीला आपण सोडून नाही। Let us hold fast the profession of faith. विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़ी नहीं। विश्वास कबुलीला आपण दृढपणाने धरून ठेवावा। In this 2021. इस 2021 मध्ये Let us hold fast the profession of faith that God is able, Jesus is able to do exceeding abundantly above all more than we ask and think. हमारे विश्वास के अंगीकार को हम दृढ़ता से पकड़े रहे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी विनती समझ से भी कहीं अधिक कार्य कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आणि आपण 2021 मध्ये आपण असा विश्वास ठेवूया की आपल्या मागणे व कल्पनेपेक्षा प्रभु येशू ख्रिस्तामध्ये असणारा जो सामर्थ्य आहे तो सामर्थ्य आपल्या जीवनामध्ये अधिक रीतीने कार्य करील। हनन्या मिशेल एंड असीरिया दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ द फायर। हनन्या मिशेल असीरिया जो है उस आग से नहीं डरे। हनन्या मिशेल व असीरिया त्या अग्निला ते घाबरले नाही। आई ऑलवेज से द हिब्रू नेम्स एंड आई विल नॉट से द बेबिलोनियन नेम्स। हमेशा मैं उनके इब्री नामों को कहता हूँ, बाबुल में जो उनको नाम दिए गए वो नहीं कहता हूँ। आणि इब्री त्यांना काय नाव दिले तेच मी नेहमी सांगतो, बाबिल मध्ये दिलेले नाव बोलत नाही। दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ द फायर। वो आग से नहीं डरे। अग्निला ते घाबरले नाही। द फायर वॉज इंटेन्सिफाइड 7 टाइम्स। आग जे 7 गुणा अधिक धक्काई गई। आणि अग्नि 7 पटीने वाढवली गेली। ओ माय गॉड, आवर गॉड इज एबल टू डिलीवर अस फ्रॉम दिस फायर। हमारा परमेश्वर इस आग से बचाने के लिए सामर्थी है। आमचा परमेश्वर अग्नि पासून सांभाळ करण्यासाठी सामर्थ्यशाली आहे। ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स कैन से लाइक दैट। यदि पुराने नियम के संत इस प्रकार कह सकते हैं तो सुन्या कराराचे संत गंजाशे बोलू शकत असतील। इफ यू आर होल्डिंग फास्ट द प्रोफेशन ऑफ फेथ। यदि जे विश्वास के अंगीकार को थांबी रखी हुई है तो विश्वासाच्या कबुलीला जर तुम्ही दृढपणाने धरून ठेवले आहे। द ट्रायल बी इंटेन्सिफाइड 7 टाइम्स। परीक्षा कुछ भी क्यों ना 7 गुणा अधिक क्यों ना धक्काई जाए। कदाचित तुमच्या परीक्षा 7 पटीने कदाचित वाढल्या असेल। He is able to deliver. वो हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। तुम्हाला सोडण्यास तो सामर्थ्य आहे। Have you any doubt about that? क्या आपको उसके बारे में कोई संदेह है? या विषय काय संशय आहे का? Have you any doubt about that? क्या आपको उसके बारे में कोई संदेह है? या विषय काय संशय आहे का? Yes or no? हाँ या नहीं? हाँ का नहीं? No. नहीं। Our God is able to deliver from the midst of all trials and tribulations and all problems. हमारा परमेश्वर सारी परीक्षा कष्टों सारी समस्याओं से हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। आणि आपला परमेश्वर सर्व कष्ट समस्या परीक्षा तुम आपल्याला सोडण्याकरिता तो सामर्थ्यशाली आहे। That is what Hebrew writer is telling in the Hebrew in Hebrews chapter 2 verse 18. इसलिए इब्रानी का पत्रिका लेखक इब्रानियों दूसरे अध्याय के 18 वचन में कहता है। इब्री लिहिणारा पत्र दुसरा अध्याय त्याच्या 18व्या वचनामध्ये काय म्हणतो? कारण ज्या अर्थी त्याने स्वतः परीक्षा होत असता दुःख भोगिले त्या अर्थी ज्यांची परीक्षा होत आहे त्यांना सहाय्य करावयास तो समर्थ आहे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. He is able to succor them that are tempted. वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। त्यांची सहायता करण्या तो करतो जे परीक्षा मध्ये आहे। So dear brother, dear sister. इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन प्रिय बंधु व भगिनींनो Do not give room for any fear. किसी भी प्रकार के भय को जगह मत दीजिए। कुछ कुठल्याही भीतीसाठी जागा देऊ नका। In the island of Patmos when John the Apostle was alone. पत्मोस द्वीप में जब यूहन्ना अकेला था। आणि टॉपमोस्ट ठिकाणी जेव्हा योहन्ना एकटा होता। ओ लॉर्ड जीसस अपीयर अनटु हिम। प्रभु येशू मसीह उसके ऊपर प्रकट हुआ। प्रभु येशू ख्रिस्त तिथे प्रकट झाला। हिज राइट हँड केम अपॉन हिम। उसका दाहिना हात उसके ऊपर आया। त्याचा उजवा हात त्याच्यावरती आला। एंड ही सेड फियर नॉट। और उसने कहा डर मत। तो मनाला घाबरू नको। ओ डियर ब्रदर डियर सिस्टर इवन दिस मॉर्निंग द राइट हँड ऑफ जीसस इज कमिंग अपॉन यू। हे भाई प्रिय बहन
सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ आपके ऊपर आ रहा है। प्रियांनो आज सकाळी सुद्धा परमेश्वराचा उजवा हात तुम्हावरती येत आहे। And he says, "Fear not." और वो कहते डरो मत। तो म्हणतो घाबरू नको। So this 2021. इस 2021 में। We are not going to fear the enemy. हम शत्रु से डरने वाले नहीं हैं। आपण शत्रूला पाहून घाबरणार नाही। But fear the Lord. लेकिन हम जे परमेश्वर से डरे। परंतु परमेश्वराला घाबरूया। Praise be to his holy name. उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। देवाचनावाला धन्यवाद असो। The third aspect of this profession is that we trust and have confidence in Jesus and that we will never waver in that. अंगीकार का तीसरा पहलू प्रभु यीशु मसीह पर हमने भरोसा रखा है उसमें हम ही आवे हम कभी भी नहीं हिलेंगे। आणि या तीसरा भाग जो कबूली करण्याचा आहे की प्रभु येशू ख्रिस्तावरती आपला जो काही विश्वास आहे त्याच्यामध्ये आपण कधीही डगमगळू नये। The fourth aspect. चौथा पहलू। चौथा भाग। We have to reveal Jesus. हमें प्रभु येशू मसीह को प्रकट करना है। प्रभु येशू ख्रिस्ताला आपण प्रकट करावे। We have to display Jesus. हम प्रभु येशू मसीह को प्रकट करना है। प्रभु येशू ख्रिस्ताचं आपण प्रदर्शन करावे। We have to be a witness unto Jesus. हम प्रभु येशू मसीह के गवाह होना है। येशू ख्रिस्ताचं आपण साक्षी भावे। We have to show forth the faith. हम विश्वास को दिखाना है। विश्वासाला आपण दाखवलं पाहिजे। We have to show others that Jesus is there in us and we belong to Jesus. येशु हमारे अंदर है और हम येशु के हैं ये बात हमें दूसरों को प्रकट करनी होगी। आणि येशु माझ्यामध्ये आहे येशु माझ्या बरोबर आहे या दुसऱ्यांना आपण गोष्टी प्रकट करावी। When we obey the Lord in waters of baptism. जब पाणी के बपतिस्मे प्रभु येशु मसीह की हम आज्ञा मानते हैं। पाण्याच्या बपतिस्मे करिता येशूच्या आज्ञेला जेव्हा आपण समर्पण करतो। According to Galatians chapter 3 verse 26 and 27. गलातियों 3 अध्याय के 26 और 27 वचन के अनुसार। गलती करास 3:26 27 च्या अनुसार। We put on Christ. हम मसीह को पहन लेते हैं। अपन क्रिस्ताला परिधान करतो। ओ डियर ब्रदर डियर सिस्टर प्रिय भाई प्रिय बहन प्रिय बंधु व भगिनींनो लेट अस वे क्राइस्ट एंड अदर्स मे सी क्राइस्ट इन अस। हम मसीह को पहन ले और दूसरे हमारे अंदर मसीह को देखना चाहिए। अपन क्रिस्ताला परिधान करावा आणि दुसरे म्हणजे ख्रिस्त आपल्या मध्ये दिसो। व्हेन बर्नबास वेंट अंतियोक जब बर्नबास अंताकिया में गया आणि बर्नबास जेव्हा अंताकिया या ठिकाणी गेला ही सॉ द डिसिपल्स देयर उसने वहां पर शिष्यों को देखा या ठिकाणी तरी शिष्यांना पाहिलं एंड व्हाट ही वाज एबल टू सी देयर और वो उनमें क्या देख सका तिकडे त्यांनी काय पाहिलं। Acts chapter 11 verse 23 प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 23 वचन प्रेषित 11 23 वचन तो तेथे पोहोचल्यावर देवाची कृपा पाहून हर्षित झाला आणि त्याने त्या सर्वांना बोध केला की दृढ निश्चयाने प्रभूला बिलगुन रहा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Praise be to his holy name. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति। देवाचनावर धन्यवाद असो। What is the fourth aspect of profession? अंगीकार का चौथा पहलू क्या है? आणि कबूली करण्याचा चौथा भाग कुठला आहे? They must see grace of God in us. वो जे है हमारे अंदर मसीह को देखना चाहिए। आणि दुसऱ्यांनी आपल्यामध्ये ख्रिस्त पाहावा। So Antioch at Antioch. Barnabas was able to see the grace of God in the believers. Antakya me jo hai Barnabas vishwasiyon ke andar parmeshwar ki anugrah ko dekh paya. Ani Antakya ya thikani Barnabas la parmeshwarachi vishwas yogyata adalli. Grace is given to whom? Anugrah kisko diya gaya hai? Krupa konala dili ahe? Not those who ask give me grace. Grace is given to them. Jo koi mujhe kehte jo koi parmeshwar se kehte anugrah mujhe do unko nahi diya jata hai. Ani je koni prabhu la mantat mala krupa dya ashana det nahi. So to the humble grace is given. नम्र लोगों को अनुग्रह दिया गया है। परंतु नम्र जना लोकांना तो कृपा देतो। So what could have Barnabas seen there in Antioch? तो बर्नबास ने अंताकिया में क्या देखा होगा? अंतुकिया मध्ये बर्नबा यांनी काय पाहिलं? Oh, he must have seen the humility of Jesus in the believers. उसने प्रभु येशू मसीह की नम्रता को विश्वासियों में देखा होगा। प्रभु येशू ख्रिस्ताची नम्रता विश्वासणाऱ्यांमध्ये त्यांनी पाहिली। Let us display that Jesus. उस येशू को आई हम प्रकट करें। या येशूला आपण प्रकट करूया। Let us display the character that is basis of Jesus, that Christian life is humility. Let us reveal that in our day-to-day life. मसीह जीवन जिस पर आधारित है वो नम्रता का स्वभाव जो है उसको दिन प्रतिदिन हमारे जीवन से आई हम प्रकट करें। आणि ज्या नम्रतेवरती ख्रिस्ती जीवन अवलंबित आहे त्याकरिता आपण दिवसेंदिवस त्याच्यासाठी परिश्रम करू। What Jesus asked his disciples to learn from him. अजय प्रभु येशू मसीह अपने चेलों से उसको उनको क्या सीखने के लिए कहता है? प्रभु येशू ख्रिस्ताने त्याच्या
त्याच्या शिष्याला त्याच्याकडून काय शिकण्यास सांगितलं? He did not ask them to learn his holiness. उसकी पवित्रता को सीखने के लिए नहीं कहा. त्याची पवित्रता शिकण्यासाठी सांगितली काय? He did not ask them to learn his purity. उसकी निर्मलता को सीखने के लिए नहीं कहा. आणि त्याची शुद्धता शिकण्यासाठी त्यांनी सांगितली नाही. But what did he ask them to learn? लेकिन उनको क्या सीखने के लिए कहा? परंतु काय शिकायला सांगितलं? Learn of me. मुझसे सीखो. माझ्याकडून शिका. I am meek in humbleness. I'm humble in mind. मी मन में नम्र और दीन हूँ. मिलीन नम्र व मनामध्ये सौम्य आहे. That is what this morning the Lord wants to learn from him. यही जय सुबह के समय परमेश्वर चाहते की मुझसे सीखे. आणि आज सकाळच्या वेळी परमेश्वराची इच्छा आहे की त्याच कडून आपण हे शिकावं. Oh dear brother, dear sister. प्रिय भाई, प्रिय बहन. प्रिय बंधू व भगिनींनो. There is a great power in humility. नम्रता में एक महान सामर्थ्य है. नम्रते मध्ये एक महान सामर्थ्य आहे. Saint Paul says, I am what I am by the grace of God. संत पौलुस कहते हैं मैं जो कुछ भी परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ. प्रेषित पौल म्हणतो मी जे काय आहे परमेश्वराच्या कृपेच्या द्वारे आहे. Let us be a witness of the humility of Christ. आइए हम मसीह की नम्रता के गवाह बन जाएं. ख्रिस्ताच्या नम्रतेची साक्ष आपण व्हावी. Let us not be proud about our education. हमारी पढ़ाई के बारे में हम घमंड ना करें. आपण आपल्या शिक्षणाविषयी गर्व बाळगू नये. Let us not be proud about our family. हमारे परिवार के बारे में हम घमंड ना करें. आपल्या कुटुंबाविषयी अभिमान बाळगू नये. Let us not be proud about our talents. हमारे वरदान थोड़ों के प्रति हम घमंड ना करें. आणि आपल्या वरदानाविषयी आपल्या वरदानाविषयी आपण घमंड बाळगू नये. Let us not be proud about our gifts. हमारे वरदानों के बारे में हम घमंड ना करें. आपल्या दानांविषयी आपण गौरव करू नये. Oh, let us be adorned with the humility of Christ. हम मसीह की नम्रता से सुसज्जित हो जाएं. ख्रिस्ताच्या नम्रतेद्वारे आपण सुशोभित व्हावं. Let us close our eyes. आइए हमारी आंखों को बंद करें. अपने डोले बंद करूया. Saint Paul, the Hebrew writer, is telling, hold fast the confidence of faith. इब्रानियों का पत्रिका लेखक संत पौलुस कहते हैं विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़ी रहिए. आणि इब्री लिहिणारा प्रेषित पाऊल म्हणतो विश्वासाचं कबुली करणं दृढ धरून राहा. Let us be perfectly obedient to the commandment of Jesus. प्रभु येशू मसीह की आज्ञाओं के सिद्ध रूप से हम आज्ञाकारी बन जाए. परमेश्वराच्या आज्ञेचं पालन करणारे परिपूर्ण रीतीने स्वीकारणारे असावे. Let us be filled with the knowledge of Christ. प्रभु येशू मसीह की ज्ञान से हम भरपूर हो जाए. ख्रिस्ताच्या ज्ञानाने आपण परिपूर्ण व्हावे. Saint Paul says, for the excellency of the knowledge of Christ I consider everything as dung and loss. संत पौलुस कहते हैं मसीह येशू के ज्ञान की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को मैंने हानि और कचरा समझ लिया है. प्रेषित पौल म्हणतो प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या ज्ञानाचा प्राप्ति करण्यासाठी मी सर्व काय खेर कचरा असं समजतो. Saint Peter writing his epistle is telling grow in the grace of God and the knowledge of the Lord Jesus Christ. संत पौलुस कहते हैं प्रभु येशू मसीह के अनुग्रह और उसके ज्ञान में बढ़ती जाओ. प्रेषित पौल म्हणतो प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या कृपेमध्ये त्याच्या ज्ञानामध्ये वाढत जा. Let our trust and confidence be only in Jesus. हमारा भरोसा और हमारे ही केवल प्रभु येशू मसीह में ही होना चाहिए. आणि आपला भरोसा आपला आवेश केवळ ख्रिस्तामध्ये असू द्या. Oh, let us always reveal the humility of Christ. हमेशा मसीह की नम्रता को ही हम प्रकट करें. ख्रिस्ताची सौम्यता लीनता आपण सदैव प्रकट करावी. Christ is coming for the humble ones. मसीह नम्र लोगों के लिए आ रहा है. ख्रिस्त लीन जनांकरिता येत आहे. Let us reveal the humility of Christ. मसीह की नम्रता को आइए हम प्रकट करें. ख्रिस्ताची नम्रता आपण प्रकट करूया. And be worthy to meet Jesus in the middle. और येशू मसीह को बीच आकाश में मिलने के लिए हम योग्य बन जाएं. प्रभु येशू ख्रिस्ताला मध्य आकाशी भेटण्याकरिता आपली पात्रता असावी. May the Lord help us. प्रभु हमें मदद करें. परमेश्वर आपली मदद करो. हमारे प्यारे आसमानी बाप सच्चत के लिए हम स्तुति करते हैं. यह सुबह की आराधना को तूने बोझड़ाया चलाया. तेरे कदमों में लोगों को लेके आया. सारी रुकावटों को दूर किया. असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में आकर अद्भुत काम किया. इसलिए हम स्तुति करते हैं. एक धन्यवाद का दिल हमारे हर एक के अंदर होने के लिए तू मदद कर. जैसे ही हम भजन से सुना विश्वास के अंगीकार को धामे रखने के लिए हम सीखना चाहिए. इन दिनों में हमारे अंदर जो विश्वास की बातें हैं वो अंगीकार है उसको पकड़े रहने का एक अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए. पूरे दिल से हम परमेश्वर के पीछे करने वाले होकर दिखाई देने के लिए जैसे कालेब ने पूरे दिल से तेरे पीछे गया वैसा ही एक अनुभव हमारे अंदर भी पाए जाने के लिए तो कृपा दे. विश्वास की भेद को हम संभालने वाले होकर दिखाई देने के लिए भी हमारे अंदर कृपा दे. खास करके परमेश्वर इन दिनों में जैसे तू बोलता है वैसे ही करने वाले करके एक विश्वास हमारे अंदर पाए जाने के लिए भी तू कृपा दे. खास करके हमारे अंदर एक नम्र दिल होना चाहिए तेरे बातों को अंगीकार करने के लिए. हम अंगीकार करने वाले होकर दिखाई देने के लिए हम घमंडी होकर दिखाई देने के लिए नहीं अंगीकार करने वाले नम्र होने के लिए इन दिनों में मदद कर परमेश्वर. विश्वास की आत्मा हमारे अंदर पाए जाने के लिए भी कृपा दे. जो बातें तूने कहा है वैसे होगा करके एक विश्वास होने के लिए भी कृपा दे. हर बात हम अपने मुंह से अंगीकार करते हुए विश्वास के अंगीकार हमारे मुंह में हमेशा दिखाई देने के लिए तू मदद कर परमेश्वर. खास करके परीक्षाओं के बीच में तेरी ओर देखने के लिए
लिए, तू इससे छुटकारा पाने वाले होकर होने वाले होकर दिखाई देने के लिए मदद कर। सद्रक में से कबेदनो तेरी ओर देखा और छुटकारा पाया, ऐसा कोई भी परीक्षा में भी तेरी ओर देखने के लिए छुटकारा पाने के लिए भी कृपा दे। हर रोज तेरे विश्वास को अंगीकार करते हुए जीवन बिताने के लिए वायदा किया परमेश्वर, वफादार रह करके विश्वास के साथ बोलने वाले होकर दिखाई देने के लिए अनुग्रह कर। खास करके अगली सभा को भी तो आशीष कर, जितने लोग आए हैं वापस जाते हो तो भी तेरी असूरी जो तेरे आगमन में देर नहीं करके समझ कर हम हमेशा तेरे आगमन की आशा में लोग बढ़ने के लिए कृपा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाउ मे द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द लव ऑफ द फादर एंड द स्वीट फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विद अस नाउ एंड अंटिल जीसस रिटर्न्स इन ग्लोरी। हालेलुया।